ये करूँ। हेलो, अच्छा वेबिनार। हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शाह फ्रॉम निर्मल बंग कमोडिटीज। आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू इवनिंग सेशन। व्हाट आर द पॉसिबल ट्रेंड्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेटा अवेलेबल। सो बिफोर आई बिगिन, आई विल स्टार्ट विद व्हाट हैपेंड यस्टरडे। सो यस्टरडे देयर वर टू डेटा, इकोनॉमिक डेटा व्हिच हैड कम। वन वाज जॉबलेस क्लेम्स एंड अनदर वाज एडीपी एम्प्लॉयमेंट। बोथ डेटा शोड that the US job market is very strong, and hence Federal Reserve will continue to remain very aggressive when it comes to their monetary policy stance. They will continuously increase the rate, and they will there was a speech yesterday by Fed chairman, Fed second in line, Bullard, that they will keep selling bonds in the market for next 10 12 months. So what is this selling bonds? So I'll translate in Hindi. Basically, Federal Reserve जो US का सेंट्रल बैंक है, वो कह रहा है कि हर महीने उन्होंने जो कोविड के टाइम में जो पैसे छापे थे 100 बिलियन डॉलर से, वो पैसे निकालने की ट्राई करेंगे। उन्होंने ये जो बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या करना चाहा कि हर महीने 100 बिलियन डॉलर वो लोग लिक्विडिटी कम कर रहे हैं। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऑलरेडी 5 महीने हो गए, छठा महीना चालू है। सो 500 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी मार्केट में से निकाल निकाल दी गई है। ये जो काम है वो आने वाले 10-12 महीने से करेंगे। सो तकरीबन 1200 बिलियन डॉलर निकालने की बात कर रहे हैं। ये सब न्यूज देख के मार्केट नर्वस हो जाता है, और जॉब मार्केट देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब कंटिन्यू रहेगा, तो धीरे धीरे ये न्यूज के पीछे है। हमने डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आते हुए देखी, 103.90 से 105 हो गया, और उसके बाद गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, मेटल्स को छोड़ के सभी चीज में हमने करेक्शन देखा। मेटल्स में इसलिए करेक्शन नहीं आया, चाइना अपनी प्रॉपर्टी मार्केट को ईज करने के, रिस्ट्रिक्शन ईज करके नया डेवलपमेंट करने की बातें कर रही है। जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स है उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे वो रिस्ट्रिक्शन कम करने की बातें चल रही है, उसके कारण मेटल्स ऊपर गया। अभी जो आज का दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो एक्चुअल नॉन फार्म पेरोल्स, जिसे हम कहते हैं नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है शाम को 7 बजे, और ये डेटा के बाद बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। सो अगर आप देखेंगे नॉन फार्म पेरोल्स, पिछले हफ्ते, पिछले महीने 263 था, ये महीने एक्सपेक्टेड है 202। कोई भी नंबर 200 के नीचे आया तो गोल्ड सिल्वर इमीडिएटली फट जाएगा, और डॉलर इंडेक्स एकदम शार्पली डेप्रिशिएट हो जाएगा। जो 105 चल रहा है वो सीधे 104, 104, 104 के नीचे भी चला जाएगा, अगर ये 200 के नीचे आता है तो। प्लीज सब आप ध्यान से रखिए। और बेरोजगारी 5.1% थी, सॉरी 3.7% थी, वो भी एक्सपेक्टेड है 3.7, तो उसमें चेंज नहीं है। पर अभी जो मेजर चीज देखने की है वो है नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा। ये डेटा अगर 250 के ऊपर आया, 260 के ऊपर आया, तो डॉलर 5-10 हो जाएगा, और गोल्ड में मोमेंट्री आपको गोल्ड और सिल्वर में फॉल देखने मिलेगा। अगर 200 ही आया तो भी फॉल आके इमीडिएटली रिकवर हो जाएगा। सो एनीथिंग बिलो 200 डेफिनेटली गोल्ड बाय, एनीथिंग नियर 200 अ स्मॉल डिप एंड यू बाय, एंड एनीथिंग अबाउ 240, 250 या 270 मार्केट सेल गोल्ड। सो दो चीज आप आज के इवनिंग के डेटा के लिए देख सकते हैं। मेटल्स में भी अगर ये डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, यूएस का जॉब का रिपोर्ट खराब आता है, तो मेटल्स पहले बाय करते हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि आज पूरा डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना की ओर से फुल सपोर्ट है। मेरी राय में आज का दिन बहुत ट्रिकी रहेगा। अभी कोई पोजीशन मत लीजिए, जब मार्केट स्टार्ट होगा, मार्केट सीएमई में हम मूवमेंट देखेंगे, तब जाके हमको लग रहा है कि हमको पोजीशन लेनी चाहिए। उसके पहले हमको कोई एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेगा सर। जिंक में इंट्राडे में क्या ट्रेड होगा? रितेश जी, मैंने जैसे आपको समझाया, आज का दिन है, जो भी कॉल लेना है, मेरी राय में मैं अगर आपकी जगह होता तो 7 बजे के बाद ही कॉल लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है डॉलर की डायरेक्शन क्या होने वाली है ये डेटा के बाद। तो प्लीज मेरी राय में आप कुछ भी
नीचे से ही नीचे में ही काम करें, और नीचे से ही जब डेटा आता है 7 o'clock को तभी पोजीशन बिल्ड कीजिए। सिल्वर 63,000 में सेल है मोहित जी, डिफिकल्ट लग रहा है मुझे 63,000। आज अगर जॉब रिपोर्ट 3 लाख या 2 लाख 80 हजार है तो 1,000-2,000 रुपये सिल्वर में करेक्शन आ सकता है, बट 63,000 अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ। रविंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं 69,700 पे होल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा बहुत अभी फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि आज का जॉब का जो रिपोर्ट आएगा उसके ऊपर ही हम डिसाइड करेंगे कितना होल्ड कर सकते हैं। अरनकार जी, गोल्ड और सिल्वर में आज क्या करें? डेटा जो मैंने लेवल दिया वो डेटा तक वेट वेट कर सकते हैं आप, और बाद में कॉल लेना। गोल्ड और सिल्वर दोनों में जॉब रिपोर्ट के बाद ही कॉल लेना चाहिए। डॉलर इंडेक्स बहुत स्ट्रांग हो गया है, सो अभी फिलहाल 7 बजे तक कोई कॉल मत लीजिए। मैंने आपको जो लेवल बताया वो 7 बजे के आसपास वो कॉल लीजिए। नेचुरल गैस एक बार 300 जा सकती है, मैंने डे बिफोर यस्टरडे भी बताया, ऑलरेडी 310 तक आ गई थी। और सिल्वर में क्या करें? आज सिल्वर में प्लीज डेटा तक वेट कीजिए। मैं आप लोग को ऐसा है तो यूट्यूब पे आप क्वेरी डालना, मैं यूट्यूब पे 7:02 पे है आपको बता दूंगा क्या करना चाहिए, जो हमारे क्लाइंट्स नहीं है। सो आफ्टर द डेटा आई जस्ट लेट यू नो ऑन यूट्यूब एट 7:01 पे मैं पोस्ट कर दूंगा मेरा व्यू क्या है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.